हजरत खलीलुल्लाह जब वादी गैर जीजरा में सैयदा हाजरा और उनके मासूम नौनहाल को छोड़ करके जाने लगे, ऐसी वादी जहां हैवानी वजूद भी नहीं था, नबातात भी नहीं पाए जाते थे, पानी का एक कतरा भी दस्तयाब नहीं था, काले स्याह मुहीप पहाड़ जैसे फुलाद पिघला के डाल दिया हो, वो वादी जहां दिन को भी खौफ आए वहां हजरत हाजरा ने रातें भी गुजारी। कितना दर्दनाक लम्हा था जब सहरी का वक्त हुआ, हजरत खलीलुल्लाह दुआएं दे के रुखसत होने लगे, हजरत हाजरा सलामुल्ला ने आगे बढ़ के अपने शोहर नामदार का दामन पकड़ लिया। तमस्सकत बिअज़ियालिही, दामन पकड़ के बोली, मेरे शोहर नामदार, इस मुहीब वादी में, इस पहाड़ों के दामन में जहां दिन को भी खौफ आए, नौनहाल मासूम के हमरा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? हजरत खलीलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कदम उठाया तो जोजा ने फिर दामन पकड़ा, फिर वही सवाल, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा दामन पकड़ा, खलीलुल्लाह की जानब से कोई जवाब नहीं आया, तो खातून खुद बोली, क्या अल्लाह का हुक्म तो नहीं? तो हजरत खलीलुल्लाह ने कहा, नाम हाँ, उसी का हुक्म है। हजरत हाजरा ने दामन छोड़ दिया, कहा जाइए, खैर से जाइए, अगर उसका हुक्म है वो हमें जाया नहीं होने देगा। जहां दिन नहीं गुजारे जा सकते थे, फिर उस खातून ने वहां रातें भी काटी। वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहां फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सर सर के, जहां पर घास उगती है, जहां ना फूल खिलते हैं, मगर वो सरजमी है आसमां भी झुक के मिलते हैं। अपनी पाक बास बीवी और नौनहाल बेटे को छोड़ के हजरत खलीलुल्लाह दुआएं दे के रुखसत हो गए। थोड़ा सा तोशा था, दो एक दिन के बाद खत्म हो गया, फिर माँ की छाती से दूध भी खुश्क हो गया, नौनहाल प्यास से तड़पने लगा। माँ तो फिर माँ होती है, तड़पती हुई ममता का दिल बेकरार हुआ। एक पत्थर के साए में मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लटाया और पानी की तलाश में जबले सफा पे चढ़ी, अतराफ में आसमानों की तरफ देखा, कहीं कोई परिंदे उड़ते दिखाई दें और पानी का निशान मिले और मैं वहां से बेटे के लिए दो बूंद ले आऊं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ता हद्दे नजर फैला हुआ, आसमान ही आसमान है और पहाड़ ही पहाड़ नीचे दिखाई देते हैं। फिर मरवा पे आई, दरमियान में नशेबी जगह थी, वहां बेटे का मन मोहना चेहरा दिखाई नहीं देता था। दौड़ के गुजरी और जाके सफा पे घूम के देखा, कुछ नजर नहीं आया, इधर भी देख लिया इधर भी देख लिया, लेकिन माँ थी। फिर दोबारा सफा पे आई, सफा पे देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर तड़प के मरवा पे आई, वहां फिर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सफा पे आई, कभी सफा पे कभी मरवा पे, तड़पती हुई माँ की ममता, बेकरार दिल, उधर पानी की प्यास से तड़पता हुआ मासूम इस्माइल पत्थर की ओट में। दरमियान से माँ गुजरती है तो भाग के गुजरती है कि बेटे का मन मोना चेहरा भी निगाहों के सामने रहे। जरा मंजर तो देखो, कितना दिल आवेज है। अल्लाह अकबर, सीनों में पित्ते पानी हो जाएं, पत्थर भी हो तो पिघल जाए इस जुहरा गदास दास्तान से, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और माँ की बेकरारियां, कभी सफा पे कभी मरवा पे जुबान पे शिकायत नहीं है। फिर जब मरवा पे पहुंचती हैं, सात चक्कर मुकम्मल हो गए, तो उधर क्या देखा कि मासूम इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा है। माँ का दिल डोलने लगा कि बेटा आखिरी लम्हों में दौड़ी के बेटे को जाके अपनी छाती से चमटाऊं, हो सकता है दो कतरे दूध के उसकी जिंदगी की आस बंधा दें। तो माँ दौड़ती हुई आई, लेकिन जब करीब आई तो मंजर बदला हुआ था। मासूम की एड़ियों के रगड़ने से ताजा चश्मा फूट रहा है, पानी है कि बेकाबू होना चाह रहा है। आगे बढ़ी, जल्दी जल्दी मिट्टी की मंढेरी करते हुए कहा, जम जम, रुक जा रुक जा। अल्लाह अकबर, हाजरा सलामुल्ला अलैहा ने हजरत इस्माइल की मोहब्बत और अपने रब पर तवक्कल की अनोखी और अलबेली दास्तां रकम की। कहा, हाजरा तूने भी हद कर दी, लेकिन कयामत तक तेरी राहों को भी जलवागाह बना देंगे। यहां नबी भी दौड़ेंगे, वली भी दौड़ेंगे, गौस भी दौड़ेंगे, कुतुब और अब्दाल भी दौड़ेंगे, शहनशाह भी दौड़ेंगे, कज कुला भी दौड़ेंगे। ये दौड़ना हम इबादत बना देंगे, हत्ता के इमामुल अंबिया भी उन राहों की साई करते रहे। अजीब रंग, अजीब मंजर और अजीब कैफ का आलम। अच्छा, यहां रुक के एक बात करना चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो हो, जहां हजरत हाजरा दौड़ी और उनके मुबारक कदम वहां लगे और लग के हट गए,
आर्जी निस्बत है, मुस्तकिल निस्बत नहीं है। जहां उनके कदम लग के हट गए वो जगह तो जलवा गाह बन गई, और जहां हुजूर खुद जलवा फरमा है वो गुंबद खजरा जलवा गाह क्यों नहीं हो सकता है। अब ये पानी जहां हजरत इस्माइल के कदम लगे, ये पानी दुनिया का अजीम तरीन पानी है। और फिर इसका प्रोटोकॉल ये है, इसको खड़े होकर पिया जाता है। यार यहां भी रोक के एक बात कह दूं, हजरत इस्माइल के कदमों को छूने वाले पानी का प्रोटोकॉल है कि उसके लिए खड़े हो जाएं। और हजरत इस्माइल मस्जिद अक्सा में जिसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम के लिए खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ लें, तो इसमें शिरक कहां से आ जाएगा। तो ये तकरीम है, ये इज्जत है उस पानी की कि उसने हजरत ज़बीहुल्लाह के कदम छुए हैं। तो ये सारा हज अल्लाह अकबर हमें हमारे माजी से जोड़ता है।